प्रोजेक्ट तभी रन हो रहा है, लेकिन वन टाइम पे अगर कोई एरर आएगा तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। फिर डिफाइन वेब कॉन्फिग टू लेबल डिबगिंग करें तो रन टाइम के एरर आपको पता चलेंगे, ठीक है। या आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम पूछेगी मेरे ऑफिस का बिल, हां मॉडिफाई करो इसको, चलो इसका वालों से जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके अंदर पेज को एग्जीक्यूट करेगा। जी जो भी डिफॉल्ट आप मेरे पास है जो मैं फायरफॉक्स से जो भी लिखता हूं, यहां पर अब इसके अंदर एंटर फर्स्ट इंटीजर मैंने डाल दिया, एंटर सेकंड और फिर सम कर नहीं, सम 56 आ गया, ठीक है। फिर आप इस ब्राउजर को क्लोज करें क्योंकि अगर ब्राउजर रन हो रहा हो तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस दिखती है, नहीं रिफ्रेश वो वेब की तरह या पीएचपी की तरह नहीं होता इसके बाद। डिजाइनिंग को रिफ्रेश करने से आपको नहीं भी लेकिन कोडिंग करनी होता कोड आप करते हैं कोड करनी होता कोड में कुछ चीजें लिमिटेड आ जाती है ना, लॉक हो जाती है। इसके बाद फिर डिवाइड आ गया, डिवाइड पे डबल क्लिक कर लिया, यहां पर मैं इंटीजर्स देता हूं ए और बी आर में दिया क्योंकि डिवाइड के अंदर पॉइंट में रिजल्ट आता है, दो इंटीजर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई ठीक है मॉडुलस सब के अंदर इंटीजर आपको मिलेगा, लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के अंदर पॉइंट वैल्यू जाती है ये फ्लोट जाती है। इधर आप अगर मैं फ्लोट रख लूँ तो फ्लोट आर मैंने रख दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फंक्शन के अंदर चीज डिफाइन करें तो वो बाय रेफरेंस फंक्शन के अंदर फंक्शन के क्लास के अंदर रखे। आप फॉर लूप को कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं फॉर लूप के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते सी में, सी के मतलब अगर बाहर क्लास के अंदर रखते हो तो एक्सेस होता है। यहां पर फ्लोट मैंने रिजल्ट रख दिया लेकिन प्रॉब्लम क्या है कन्वर्ट डॉट टू फ्लोट का कोई फंक्शन नहीं है, फ्लोट में कन्वर्जन का फंक्शन ही नहीं है। जब आप काम करते हैं जावा पे या उसके बाद जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस आई है तो उनमें फ्लोट डेटा टाइप यूज नहीं की जाती है, फ्लोट की बजाय डबल को यूज किया जाता है। डबल को इसलिए यूज किया जाता है कि डबल की डेसिमल प्रिसिशन एक्यूरेसी ज्यादा है फ्लोट से, ठीक है डबल साइज में बड़ा है और डेसिमल एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है। जावा में भी फ्लोट वेरिएबल नहीं है डबल है, सी शार्प में भी VB.NET में भी डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है उनके अंदर वेरिएबल्स का फिर फ्लोट की बजाय डबल को यूज किया जाता है। इसी तरह डेटाबेस में भी डबल को यूज किया जाता है डेटाबेस के अंदर। यहां पर पहले मैंने इनपुट देनी है ए इज इक्वल टू हमें पता है कन्वर्जन का एरर आएगा कन्वर्ट डॉट टू 832 टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट वो ऊपर जो कोड मैंने लिखा है मैं नीचे लिखता हूं बी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट to 832 export school.txt. ये मेरे पास दो एंट्रीज आ गई। फिर r equal to a divided by b, r equal है a divided by b के, ठीक है r जो है वो डबल है। अभी यहां पर ये कन्वर्जन करेगा इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का नुकसान लिखिएगा क्या होगा, यहां पर export 3 dot text is equal to convert dot to string r. अब आपको माइंड में ये नहीं रखना कि r डबल है या इंटीजर है, आपको ये देखना है टेक्स्ट बॉक्स c का टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग है तो इसलिए convert dot to string लिखिए इसको। दोबारा पेज को एग्जीक्यूट करने अब इसे मॉडिफाई वेब कॉन्फिग की ऑप्शन नहीं दी, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 56 लिख दिया, इधर मैं 10 लिखता हूँ, ठीक है सम सही आ रहा है डिवाइड और डिवाइड में देखिए 5 आ रहा है, हालांकि 5.6 आ रहा चाहिए था। देखिए जब कन्वर्जन कंपाइलर ने खुद किए तो आपको आपकी डिजाइन आउटपुट नहीं मिली, जब आप कंपाइलर
के अलावा खुद के रिवीजन करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी। यहां पर मैंने क्या लिखा, कन्वर्ट डॉट टू डबल ए को मैंने डबल के अंदर कन्वर्ट कर लिया डिवाइडेड बाय इधर भी कन्वर्ट डॉट टू डबल बी को भी डबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अभी आपको सही कैलकुलेशन देगा, लेकिन क्यों इधर एंड पे जाए इधर डबल लगा होगा, डायरेक्ट डबल लगते आपने डिवाइड में निकलना पड़ेगा। वो अगर आपकी इधर आ जाती है इन बी आप डबल रखें और इधर फिर कन्वर्ट डॉट टू डबल कर लेते डबल करते हैं तो डिवाइड में सीधे करेगा तो मामले में इंटीजर ले लेंगे डी इनपुट लेगा डबल में दोनों वैल्यूज आ सकती है होल नंबर या फिर पॉइंट्स की वैल्यू। अब इसको डिवाइड कर लें तो ये आपको पॉइंट के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। डेसिमल एक्यूरेसी जो डेसिमल डबल की होती है ये 15 होती है, पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक ये कैलकुलेशन करता है, सही है। इस पॉइंट की समझ आ गई थोड़ा सा, सिशांत का भी समझ आया। सिशांत आपको ज्यादातर चीज